जिसमें आज का वॉल्यूम जो हम आपको देने जा रहे हैं बेसिकली आपको मिलेगा पाँच सूटों का जो कि होगा शैमरे का इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी जो है वो फ्रंट पैनल मिलेंगे बड़ी बेसिकली सिक्वेंस से काम होंगे और इनके साथ आपको दुबट्टा जो है वो कह लेंगे इस तरह से थ्री एम का सीक्वेंस का और साथ में बोरिंग वर्क वगैरह का जो है वो दुबट्टा मिलेगा रेट बहुत इकनॉमिकल है चौबीस सौ इसका रेट मिलेगा फैब्रिक है, का धनक का रेट अगर इस टाइम पर चल रहा है मार्केट फैसला की मंडी का जो अच्छे दारों का रेट है इक्कीस सौ साढ़े इक्कीस सौ बाईस सौ रुपए गला कढ़ाई का रेट चल रहा है शैमरे का रेट उससे तकरीबन पचास रुपए सौ रुपए जो है वो ज्यादा होता है बेस का रेट इसलिए इसका रेट आपको मार्केट में तकरीबन साढ़े इक्कीसो से लेकर साढ़े बाई के, के दरम्या जो है वो मिलना चाहिए आर्ट्स आपको जो इसका रेट देगा वो होगा चौबीस सौ चालीस रुपये दुबट्टा कढ़ाई फ्रंट एम्ब्रॉय के साथ फैब्रिक इसमें सारे इंसाफ टेक्सटाइल के हैं वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ कोई मिक्स एंड मैच नहीं किया गया मतलब कि दो इंसाफ के और दो हल्के तीन हल्के इधारों के ऐसे नहीं है सारे इंसाफ का फैब्रिक होगा अभी आपको मैं चेक करवा देता हूँ कल के हवाले से बात कर लेते हैं कि कस्टमर का जो है वो कमेंट आया हुआ था हमें कि मीनस के डबल हेड के काम कल मैंने एम्ब्रॉड्रीज के हवाले से इंफॉमेशन जो है वो दी थी अगर आपने जो है वो नहीं देखी तो पिछली वीडियो को आप चेक कर लीजिएगा कलेक्शन बहुत अच्छी थी उसमें एम्ब्रॉड्रीज के हवाले से थोड़ी डिटेल से बता दिया था मैंने तो इनके हवाले से जो है कस्टमर का मैसेज आया कि मीन्स के डबल हेड के काम में फिनिशिंग ज्यादा आती है बट कॉस्ट सिंगल हेड के काम की नस्बत कम आती है और सिंगल हेड पे फिनिशिंग मुनासिब रहती है मगर कॉस्ट थोड़ी ज्यादा होती है ऐसा हर किसान नहीं होता असल में होता है इस तरह से है कि जो एम्ब्रॉयड्री मशीन्स होती हैं ना छः सात आठ दस मशीनें जो है अलहमदुल्ला हमने भी बाउंड की होती हैं जो अच्छे इदारे काम करने वाले वो भी बाउंड रखते हैं पूरे साल के लिए कि उनके ऊपर एम्ब्रायड्री मशीन के ऊपर जो है वो हमारा काम बन रहा होता है तो होता ये है कि जब आप डबल हेड का काम करवाते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है ना अगर फॉर एग्ज़ाम्पल बाकी एम्ब्रॉयडरी की जो कॉस्ट है फ्री टांका पर स्टिच की कॉस्ट चलती है तकरीबन एक एक रुपये अस्सी पैसे से लेके कर दो इशारिया पाँच पैसे तक जो है वो तकरीबन इसकी जो है वो लेकर चलते हैं मतलब कि कहने का मकसद ये होता है कि जितनी एम्ब्रॉयडरी मशीन का मॉडल अप होता है ना जैसे हम जिन मशीन पर काम करवा रहे हैं उनके ऊपर नीटनेस इस वजह से आती है कि वो तीन साल से पुरानी कोई भी मशीन नहीं है जैसे बाइक होती है ना कि जितनी नई होगी उतना अच्छा उसका जो है वो कह लें कि एक्सपीरियंस रहेगा इसी तरह से एम्ब्रॉयडरी का होता है जो जितना नया मॉडल होगा उतना ज्यादा जो है वो उसकी वर्किंग और नीटनेस नफासत जो है वो जल्दी आती है उतनी ज्यादा उसकी जो है वो खूबसूरत आती है तो इस वजह से जो इसका जो डबल हेड का काम होता है इसकी मजदूरी ज्यादा होती है सिंगल हेड की मजदूरी कम होती है नीटनेस डबल हेड के अंदर ये होता है कि अगर आप सिंगल हेड के ऊपर जब काम करते हैं ना तो उसमें यह होता है कि तरह इंच का मैंने आपको बताया था कि वाया कवर करता है गला कढ़ाई उसमें बन जाता है हमारी तो कोशिश होती है कि हम जो गला कढ़ाई है वो भी डबल हेड के अंदर बना कर देते हैं सिंगल हेड के ऊपर गला कढ़ाई वैसे बन जाता है पैनल बन जाते हैं ठीक है लेकिन उसमें जब आप बनाते हैं ना कोई भी दामन हैवी वाला या जो तेरह इंच से ज्यादा वाला काम होता है तो उसके ऊपर उसे फिर उतार के हम पहले कपड़े को उसके ऊपर प्लेस करना एम्ब्रॉयडरी वगैरह के लिए ठीक है एम्ब्रॉयडरी हो गई फिर उतार के बाकी हिस्से के लिए दोबारा से उसे प्लेस करना तो उसकी मजदूरी होती है अलग से ठीक है तो उससे बचने के लिए और उसमें फिर वो कह लें कि थोड़ा सा भी एक जगह पे एम्ब्रॉयडरी हो गई बिल्कुल उसके साथ मैच नहीं होती उसके साथ मैच करने के लिए यह होता है कि आप डबल हेड इकट्ठे एम्ब्रॉयडरी चलाएं तो उसके मुताबिक जो है वो बिल्कुल एक लाइन के अंदर जो है वो कह लें कि इकट्ठी एम्ब्रॉयडरी हो जाती है तो ये चीजें होती हैं जो डबल हेड वाला काम होता है ना इसकी मजदूरी आम जो सिंगल हेड वाला काम है उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है ये डिटेल थी मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ले सकते हैं आज वाली फ्लेक्शन की तरफ चलते हैं ये दो इसमें आपको जो है वो ग्रीन नजर आएंगे दोनों मुख्तलिफ हैं ठीक है इनशाला कोई भी सूट डबल नहीं मिलेगा आपको मास्टर कॉपी वाले डिजाइन होंगे इंसाफ टेक्सटाइल का फेबरिक है सारा इसमें कोई भी जो है आपको हल्की का फैब्रिक है वो नहीं दिया जा रहा ठीक है चीजें यही नोट करने वाली होती हैं, यही बारीकियां होती हैं जब आप समझ जाएंगे ये चीजें देख लिया करेंगे ठीक है तो इनशाला मार्केट में आप जो है वो मार नहीं खाते ये देखिए ये सारा इंसाफ टेक्सटाइल का फेब्रिक है ठीक है तो ये बारीकियाँ समझा करें कहने का मकसद ये होता है के सस्ते की तरफ जो है ना सस्ता जरूर ढूंढे लेकिन क्वालिटी के साथ सस्ता ढूंढा करें ठीक है अब आपको वन बाय वन चेक करवाते हैं फर्स्ट डिजाइन फ्रॉम द रो ये आपके सामने एयरजेट फैब्रिक होगा शर्ट का दुबट्टे का ट्राउजर का एयरजेट के ऊपर शैमरे फैब्रिक बना हुआ है डबल टोन फैब्रिक होता है ये ठीक है प्रीमियम क्वालिटी है लीलन की तरह फॉल में नहीं आता धनक जो कस्टमर कहता है कि हमें मोटी लगती है खद्दर मोटी लगती है उनके लिए बहुत बेहतरीन चीज रहती है फ्रंट पैनल है ये सारी जो है वो डबल हेड का काम है और दूसरा ये कि इसमें बारीकी और नीटनेस ये सारी जो है लेटेस्ट मॉडल वाली मशीन के ऊपर काम होते हैं इस वजह से जो है वो इतनी बारीकियाँ आती हैं ठीक है तो ये हर चीज़ जो है वो नोट करने वाली होती है आपके सामने एम्ब्रॉयडरी की नीटनेस क्वालिटी ठीक है प्रिंटिंग क्वालिटी इन इंसाफ टेक्सटाइल का फैब्रिक होगा एयर जेट का ये इसकी दूसरी साइड आ जाएगी ठीक है साथ में स्लीव्स आ जाएंगी ठीक है जी इस सारा एयर जेट मशीन का फैब्रिक होगा फैब्रिक है, इसके अंदर गोल्ड आप दो तरह की आती है काली आती है गोल्ड आती है, ये गोल्ड वाली है इसमें वो तैयार दा, होती है ठीक है तो येमरे फैब्रिक है सारे। इसके साथ ये ट्राउजर ट्राउजर की क्वालिटी भी सेम होगी जेट पे शैमरे में और इसके साथ दुपट्टा टू साइडेड बॉर्डर

अगले की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कलर चेक कर लीजिएगा पांच सूटों का छोटा सा वॉल्यूम रखा गया है जिन कस्टमर्स को ज्यादा चाहिए होता है वो इसका डबल सेट ले लें तीन सेट ले लें बिकने वाली चीज है और ये ऐसा नहीं है कि ये लिनन की तरह सिर्फ स्टार्टिंग में चलती है ये प्रॉपर जो है फरवरी तक मार्च तक पहनी जानी है ठीक है जी डबल हेड का, का काम होगा सारा एयर जेट फैब्रिक होगा ये बैक साइड और स्लीव शर्ट कंप्लीट हो गई डाइट फैब्रिक आ जाएगा ट्राउजर के लिए शैमरे का और इसके ऊपर ये बट प्रिंटिंग क्वालिटी चेक करें और डिज़ाइनिंग चेक करें ठीक है एम्ब्रॉयडरी के पैनल्स बनाए गए हैं इस दफ़ा हट कर हमने किया है काम कट वर्क आपको हर जगह मिल जाता है इस दफ़ा चेंज किया है हमने काम ठीक है चिकन का ये और साथ में थ्री एम एम का अगले एक तरफ मूव करते हैं थर्ड फ्रॉम द रो पैनल स्टाइल में डबल हेड के काम के साथ एयर जेट बेस होगी ठीक है जी ऐसी दूसरी साइड साथ में स्लीव्स शर्ट कंप्लीट एम्ब्रॉयडरी की नीटनेस और क्वालिटी चेक कर लें डाइट फैब्रिक आ जाएगा ट्राउजर का और इसके साथ दुपट्टा

और मीटर में तकरीबन जो है ये का सूट है है ठीक है? ये मैक्सिमम कटिंग है जो मास्टर कॉपी में में पूरे पाकिस्तान आती है ला ये वही आपको दे रहे हैं जो कस्टमर कहते हैं कि आठ आठ मीटर का सूट मिल रहा है आप उस सूट की कटिंग को जो है वो पेमाइश कर लें उसके बाद बादशार सी चीज़ को पेमाइश कर लिया करें जो बताएंगे इन वही निकलेगा ये आपके सामने प्रिंटेड दुपट्टा और उसके ऊपर सारा हैवी चिकनकारी थ्रेडवर्क ये सारा और साथ में सीक्वेंस जो है वो थ्री एम mm का काम इसके बाद लास्ट है पीरियड्स की तरफ चलते हैं लास्ट फ्रॉम द रोड डिज़ाइनर कलर आपके सामने शैमरे फैब्रिक है इन साफ्ट टेक्सटाइल की बेस के ऊपर फ्रंट पैनल डिजाइन एयरजेड बेस तो दूसरी साइड आ जाएगी साथ में स्लीस फेब्रिक सारा इंसाफ टेक्सटाइल का है इसके अंदर आपको बताया कि इसमें जो है वो कोई तब्दीली नहीं की गई हल्के दारों का जो है वो नहीं अटैच किया गया उनका अगर पाँच छह रुपए सात रुपये मीटर का अगर हम फर्क डालते हैं जैसे गोल्ड रेंज का होता है तो वही तकरीबन आप आठ गज के सूट के ऊपर अगर आप निकालेंगे तकरीबन पचास रुपये पैंतालीस रुपए सस्ता पड़ जाता है वो सूट थोड़ा सा एम्ब्रॉयडरी के अंदर पैकिंग के अंदर फर्क डालेंगे तो वही फर्क पूरे सूट के ऊपर तकरीबन सौ से सवा सौ रुपए का हम आपको सस्ता दे रहे होंगे लेकिन अलहमद जो क्वालिटीज़ को पहचानते हैं जो सेल करते हैं अलहमद उनके लिए चीज़ बनी हुई है अपडेट्स की तरफ चलते हैं प्रसिस्ट कर से बात करते हैं जो सूट आपको कॉस्ट करेगा वो होगा चौबीस सौ चालीस मल्टीप्लाई बाय पाँच का वॉल्यूम है डिलीवरी कॉस्ट लगेगी तीन सौ पचास रुपये बारह हज़ार पाँच सौ पचास रुपये में पार्सल आपके घर तक पहुँचेगा कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डरिंग के लिए वेबसाइट और नंबर आपकी स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है वहाँ पर चेक कर लिया करें सिंगल सूट लेना होता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको रिटेल डिपार्टमेंट का नंबर और वेबसाइट दी होती है वहाँ पर आप सिंगल सूट भी प्लेस कर सकते हैं अपना ऑर्डर थैंक यू सो मच डिस्चार्जे फ्रॉम श्री मार्ट्स जी मान अल्लाह हाफिज़